सो गाइस यार कैसे हो, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू मिथबस्टर्स की सीरीज में। सो गाइस यार हमारे पास काफी सारे न्यू मिथ्स वापस से आ चुके हैं एंड गाइस यार आज के मिथ्स तो वाकई बहुत ही ज्यादा शानदार हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो अभी का पहला मिथ हमारा ये है कि हम लोग मून ग्रेविटी को लगाना है ट्रेन के साथ में और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स लगाने हैं एंड देन आप लोगों को ट्रेन को आगे बढ़ाना है एंड आरपीजी से उसको फोड़ना है। तो ऐसे करेंगे तो हमारी ट्रेन अंडरग्राउंड चली जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपना इंजन चालू कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर बहुत सारे स्टिक बॉम्ब्स लगाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे मून ग्रेविटी भी इनेबल कर दिया, अब बस मेरे को कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे इस ट्रेन को स्टार्ट करना है एंड इसके सामने फोड़ने हैं आरपीजीज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आरपीजी पकड़ लेता हूँ। रुको, सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना है, इस ट्रेन को आगे बढ़ाना है। ओके, यहाँ से बढ़ते हैं ना आगे। ओके, ये दबा दिया और इसको कर दिया फॉरवर्ड। अब मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, अपने हाथ में आरपीजी लेता हूँ एंड इन स्टिकी बॉम्ब्स को फोड़ता हूँ। वेट, हेलो, एक सेकेंड, ओ हेलो, अरे इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओ भाई, और ये ट्रेन तो फोड़ते आगे निकल जा रही है लेकिन इस पे तो भाई कुछ असर ही नहीं हो रहा, ना ही हमारी ट्रेन पताल में गई ना ही कुछ हुआ। ये वाली मिथ बस्टेड है। ओके, तो ये वाली मिथ इंटरेस्टिंग है। इस मिथ में ये लिखा है कि ZX-10R को अगर हम लोग ब्लास्ट कर दें तो भाई उसका आगे का जो बोनट होता है वो ब्लास्ट नहीं होता। ऑलराइट गाइस, तो जब तक मैं इस वाली मिथ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तब तक आप लोग ये काम करो, अगर आप लोगों को भी ऐसी कुछ मिथ्स पता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता देना। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे वेल मैंने ZX-10R को मंगा लिया है, अब बस मेरे को क्या करना है, इस गाड़ी को फोड़ना है एंड इस गाड़ी को फोड़ने के लिए मैं अपनी AKM का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ओके, यहाँ पे मैंने गोली बरसानी चालू कर दी और यहाँ पे इसको फोड़ दिया। एंड वेट गाइस, ये देखो इसका बम्पर तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये वाला मैं 100% कंफर्म है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये लिखा है कि हमें अगर RGS टूल में एम टाइप करके और उसके बाद डायनासोर को बुलाना नहीं है, लेकिन गाइस यार ये जो सिटी में जितने भी NPCs रहते हैं इन सबको अगर हम लोग अपनी बंदूक से मारें तो वो मरेंगे ही नहीं, मतलब इनफाइनाइट हेल्थ हो जाएगी इनकी। वेल गाइस यार, इस वाले मिथ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। गाइस यार, आप लोगों के कारण हमारे इस वाले चैनल के अंदर 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। Yes! And guys, यार, हम लोग का गोल है 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने का। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बस यहाँ देखो नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, फटाफट से जाके कर दो अगर अभी तक नहीं करा तो, वरना तुम्हारे घर चोर भेज दूंगा जो कि तुम्हारा मोबाइल चुरा के मेरे को दे देंगे एंड उससे फिर मैं खुद के चैनल को सब्सक्राइब करा लूंगा। और हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। हाँ, तो अब तुम लोग समझ ही गए होगे कि तुम लोग को करना क्या है। यहाँ पे मैंने एम मोड ऑन कर दिया है, अब बस यार मेरे को यहाँ पे कोई भी डायनासोर को नहीं बुलाना, लेकिन यार मैं इन NPCs को मारूंगा तो यार ये लोग है ना एक आध दो गोली के मेहमान होते हैं। ओके, तो एक काम करता हूँ, अरे नहीं भाई इतनी दूर से मेरे ख्याल से मेरा निशाना नहीं लग रहा, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा पास जाता हूँ एंड फिर इन्हें मार के देखता हूँ भाई क्या होता है। ओके, तो मैं यहाँ पास में आ गया हूँ एंड अब मैं इनके ऊपर गोलियां बरसाता हूँ। एंड एक सेकेंड, ओ भाई साहब ये तो वाकई सच है यार, इन लोगों को तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये देखो कितनी सारी गोलियां इसके भेजे में डाल दी लेकिन उसके बाद भी ये जिंदा है। वेल गाइस, अकॉर्डिंग टू मिथ ये वाला मिथ यार 100% कंफर्म है। ऑलराइट, यहाँ लिखा है हम लोगों को एक के ऊपर एक तीन डॉग स्पॉन करने हैं एंड उसके बाद उनके ऊपर बैठना है तो कुछ मैजिक होगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने ये तीन कुत्तों को स्पॉन कर दिया। ओके, रुक जाओ, एक और बचा है। ओके, तो ये तीनों आ गए, अब बस मैं यहाँ बीच वाले के ऊपर पता नहीं किसके ऊपर बैठूंगा। ओके, ये बीच वाले के ऊपर बैठा एंड यहाँ तो कुछ मैजिक नहीं हुआ, लेकिन एक सेकेंड ये मैं कुत्ते का जबड़ा देख पा रहा हूँ तो यहाँ तो भाई कुछ ऐसा खास होना। ओ वेट, मैं एक साथ दो कुत्तों को चला पा रहा हूँ भाई, ये कितना ज्यादा मतलब एंटिक मिथ है भाई, ऐसा मिथ है तुम्हें और कहां देखने को मिलेगा। वेल गाइस, अकॉर्डिंग टू मिथ ये वाला मिथ कंफर्म है एंड भाई साहब मैं अगर अटैक कर रहा हूं NPCs पे तो भाई एक साथ दोनों कुत्ते अटैक कर रहे हैं। वेल गाइस यार, आज की वीडियो में था इतना ही, आशा करता हूँ आप लोग हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते फटाफट से इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।